हे गाइस, कैसे हो? तो आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ गूगल पे ऐप से आप किसी भी बैंक में पैसा कैसे भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले गूगल पे ऐप को ओपन करते हैं। अब देखिए, मैं गूगल पे के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको नीचे ही नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्लस न्यू पेमेंट, यानी प्लस न्यू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको मनी ट्रांसफ़र के कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर, यूपीआई आईडी, सेल्फ ट्रांसफ़र। लेकिन हमें तो पैसा बैंक में भेजना है तो बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो हमें बैंक की कुछ डिटेल भरनी होगी, यानी जिसके खाते में पैसा भेजना है उसके अकाउंट नंबर वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह। तो सबसे पहले हम अकाउंट नंबर डालते हैं। तो देखिए, मैं डालता हूँ एक। अब देखिए, मैंने एक बार तो अकाउंट नंबर डाल दिए हैं, वही अकाउंट नंबर फिर से हमें डालने होंगे, यानी री एंटर अकाउंट नंबर। अब देखिए, मैंने दोनों बार अकाउंट नंबर डाल दिए हैं। अब हमें आईएफएससी कोड डालना होगा, यदि याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप सर्च फॉर पर क्लिक करके देख सकते हैं, यानी इस पर क्लिक करके अपना आईएफएससी कोड देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं हम। हमें किस बैंक में पैसा भेजना है, तो मैं भेजता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है ना? तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक किया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की किस शाखा में हमें पैसा भेजना है, तो उस शहर का आपको नाम सर्च करना होगा। तो मैं सर्च करता हूँ गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। आपको पता भी देख लेना है कि सही जगह का है, तो बिल्कुल सही है, मैंने देखा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए, जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने आईएफएससी कोड निकल कर आ गया। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है रिसिपिएंट नेम। तो यहाँ पर आपको उसका नाम डालना है जिसके बैंक अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं। अब देखिए, कई व्यक्ति क्या सोचते हैं कि नाम पूरा लिखना चाहिए, स्पेलिंग की गलती तो नहीं हो जाएगी, पैसा कहीं और तो नहीं चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे राकेश कुमार के में आपको पैसा भेजना है तो आप RKB लिख सकते हो नाम में, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको केवल दो ही चीज़ सही ढंग से भरनी है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं हम आगे। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कितना पैसा भेजना है ये ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, तो मैं भेजूँगा यहाँ पर 12 रुपये, ठीक है? ट्राई के लिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ट्राई वगैरह आप, तो मैं ट्राई लिख देता हूँ, ठीक है? सही पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा, प्रोसेस टू पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट। अब यहाँ पर आपको UPI पिन नंबर डालना होगा, तो मैं डालता हूँ अपना, ये लीजिए, अब पेमेंट हो चुका है, ठीक है दोस्तों? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। ये देखिए, पेमेंट हो चुका है।